नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नौगढ़ा की निवासी ज्योति भार्गव की बेटी के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल में डॉक्टर के स्टाफ ने गलत टीका लगा दिया, जिससे उनकी 9 महीने की बेटी के पैर में गांठ बनती चली गई। जब ये बात उन्होंने वहां के डॉक्टर को बताई, उन्होंने कहा ये मामूली सूजन है, ठीक हो जाएगी। उन्हें इसी प्रकार उन्होंने भ्रम में रखा। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने बताया ये गलत इलाज की वजह से है। और ये बात जब उन्होंने लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर को बताई, उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करे जाकर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वह अपनी समस्या लेकर करणी सेना के पास आई, जिसमें करणी सेना छात्र शक्ति जिला अध्यक्ष तुषार शुक्ला ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और वह इस कार्य के सिलसिले में आज अपने पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां जाकर जिलाधिकारी कानपुर के ज्ञापन दिया और कहा जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और ज्योति भार्गव की बेटी को इंसाफ दिलाए। साथ ही तुषार शुक्ला ने यह भी बताया कि करणी सेना का अगला कार्य अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा किसी चौराहे पर लगवा उस चौराहे का नामकरण भी पृथ्वीराज चौहान चौराहा करा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPM।